फाइव सो स्टार्टिंग विद द फंक्शन स्पेंडल राइट तो मसल स्पेंडल जो है हमारे पास क्या करता है ये मसल की लेंथ को रेगुलेट करता है इसके अलावा ये मसल थे मकैनज्म में इन्वॉल्व होता है तीन दिन जर्ग में ये रिसेप्टर होता है ठीक है इसके अलावा वॉलेंट्री स्मूथ मसल मूवमेंट्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है ठीक है और ये लिफ्टिंग ऑफ लोड या वेट में वाया स्ट्रेच रिफ्लैक्स जो है उसमें ये हेल्प करता है ठीक है अब हम देखते हैं मसल टोन ठीक है ये क्या है ये स्मॉल अमाउंट ऑफ टेंशन है जो कि एक कंप्लीटली रिलैक्स मसल में आपको हमेशा प्रेजेंट मिलेगी ठीक है या आप कह सकते हैं ये वो पार्शियल स्टेट ऑफ कंट्रैक्शन है मसल की जो आपको हमेशा नज़र आएगी दैट इज़ द मसल टोन ठीक है इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि मसल टोन की वजह से जो मसल है वो कंप्लीटली फ्लेबी आपको नहीं नज़र आएगा या वो बिल्कुल फ्लेसिड या अनफर्म नहीं नज़र आएगा ठीक है मसल टोन की वजह से वो थोड़ा यू नो स्टिफ्ट नज़र आएगा ठीक है और ये जो मसल टोन है इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेच रिफ्लेक्स ठीक है क्या मेकेनिज़्म है मसल टोन के प्रोड्यूस होने की यानी जब मसल स्पेंडल्स हमारे पास स्ट्रेच होंगे ना तो विदाउट द स्ट्रेचिंग ऑफ द गैमा फ्रेंड्स जो कि हमारे पास सप्लाई कर रहे होते हैं इंट्राफ्यूजल फाइबर्स के एंड पोर्शंस को ठीक है उनकी स्ट्रेचिंग के अलावा जो मसल स्पिंडल है बाकी हर जगह से स्ट्रेच हो जाता है जब ये वाले फाइबर्स जो हैं ये कंट्रैक्ट करेंगे तो मसल का जो सेंट्रल पोर्शन है वो स्ट्रेच हो जाएगा जिसके वजह से जो है स्टिमुलेशन होगी और मसल टोन जनरेट होगा ठीक है उसके बाद हमारे पास जो है हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या है रिसेप्टर्स की तो एक सबसे पहली प्रॉपर्टी है दैट इज स्पेसिफिसिटी ठीक है रिसेप्टर्स किस तरह से स्पेसिफिसिटी में हेल्प करते हैं तो पहली जो फैक्टर है स्पेसिफिसिटी में दैट इज़ द मूलर्स लॉ मूलर्स लॉ के मुताबिक एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिसेप्टर ही एक स्पेसिफिक स्टिमुलस को जो है वो रिस्पोंड करेगा ठीक है जो स्टिमुलस होता है ना जिसको एक रिसेप रिस्पॉन्ड करता है दैट इज़ बेसिकली द एडिक्वेट स्टिमुलस फॉर दैट स्पेसिफिक रिसेप्टर ठीक है लाइक like, अगर हम थर्मल रिसेप्टर्स देखें तो उसका जो एडिक्वेट स्टिमुलस है वो ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर ही है कुछ और नहीं हो सकता ठीक है लेकिन Uh, कुछ ऐसे केसेस uh, हैं जिसमें हमने देखा है कि रिसेप्टर्स जो है अपने एडिक्वेट स्टिमुलस के अलावा कुछ हाई इंटेंसिटी स्टिमुलस को भी रिस्पॉन्स शो करते हैं लाइक like, इसकी एग्जांपल हम अगर हम देखें तो uh, वैसे तो हमें पता है कि रॉड्स और कोन्स जो हैं वो किसको uh, यानी कि इनका स्टिमुलस जो है वो लाइट होता है ठीक है लेकिन अगर हमारे पास एक लाइट हेलोस हो यानी एक सर्कल हो लाइट का जो कि आपके हेड के अराउंड या हेड के ऊपर जो है वो डाला जाए तो उस केस में क्या होगा आपके आई बॉल्स पर प्रेशर एक फर्म प्रेशर जो है वो जनरेट होगा जिसकी वजह से आपके रॉड्स और कंस उस लाइट हेलोस को रिस्पॉन्ड करेंगी ठीक है सो दैट इज़ के अगर एक यू नो प्रेशर हाई फर्म प्रेशर जो आई बॉल पर क्रिएट हो रहा है यानी हाई इंटेंसिटी जो है स्टेमुलस हाई इंटेंसिटी का स्टेमुलस है वो दिया गया आई को जिसकी वजह से वॉर्स एंड को एक्टिव होना पड़ा उनको जो है वो रिसेप्शन शो करनी पड़ी है ठीक है सो दिस इज़ एन एक्सेप्शनल केस लेकिन ऐसा होता है कि हाई इंटेंसिटी स्टेमुलस के केस में जो रिसेप्टर्स हैं वो एडिक्वेट स्टेम के अलावा किसी और स्टेमुलस को भी रिस्पॉन्स शो करते हैं ठीक है उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर जो कि स्पेसिफिसिटी में कंट्रीब्यूट करता है दैट इज़ मोडलिटी ऑफ सेंसेशन ठीक है तो इसमें क्या है कि जो स्टिमुलस या सेंसेशन जो है हम जो भी हर टाइप की स्टिमुलस या सेंसेशन जो भी हम प्रसीव परसीव करते हैं ठीक है उससे हम क्या कहते हैं कि ये मोडेलिटी ऑफ सेंसेशन है लाइक पेन सेंसेशन एक सेपरेट मोडेलिटी है ठीक है थर्मल सेंसेशन एक अलहदा मोडेलिटी है ठीक है सो दिस इज़ द मोडेलिटी ऑफ सेंसेशन ठीक है और ये भी स्पेसिफिसिटी ऑफ रिसेप्टर में कंट्रीब्यूट करती है इसके अलावा जो लेबर लाइन प्रिंसिपल है दैट बेसिकली डिफाइंस योर स्पेसिफिसिटी ऑफ रिसेप्टर इसके मुताबिक क्या है कि एक स्पेसिफिक नर्वस पाथवे होता है हर सेंसेशन का ठीक है जिसकी वजह से जो है एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ब्रेन जो है वो स्टिमुलेट होगा ठीक है सो दिस वाज ऑल अबाउट स्पेसिफिसिटी जिसमें हमने मूलर्स लॉ देखा उसके बाद हमने मोडलिटी ऑफ सेंसेशन देखी और फिर लेबर लाइन प्रिंसिपल देखा नेक्स्ट इज़ द रिसेप्टिव पोटेंशियल ठीक है किस तरह से हमारे पास रिसेप्टि पोटेंशियल जो है वो रिसेप्टर्स uh, की प्रॉपर्टी में रोल प्ले करता है ठीक है अब हम देखते हैं जो रिसेप्टर पोटेंशियल है बेसिकली जब हम एक स्टिमुलस जो है किसी भी रिसेप्टर को देते हैं तो होता क्या है कि जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसमें आपको एक लोकलाइज चेंज नज़र आएगा ठीक है और ये किस वजह से होगा क्योंकि सोडियम का इन्फ्लक्स होता है ठीक है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है रिसेप्टर पोटेंशियल की कि ये नॉन प्रोपगेट होता है ठीक है ये आपको रिसेप्टर के अंदर नज़र आएगा ठीक है ये ऑल और नन लॉ को ओबे नहीं करता ठीक है इसके अलावा जो रिसेप्टिव पोटेंशियल का एम्पलीट्यूड है ये दो चीज़ों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक तो ये स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दूसरा ये जो इम्पल्स के डिस्चार्ज की फ्रीकवेंसी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ठीक है इसके अलावा हमारे पास जो रिजम्बलेंस है इस रिसेप्टिव पोटेंशियल की वो एंड प्लेट पोटेंशियल या फिर एक्साइटेटरी पोसाइनप्थिक पोटेंशियल से बहुत ज़्यादा मिलती है ठीक है बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती है जब थ्रेश पहुँच जाता है तो हमारे पास इस रिसेप्टर पोटेंशियल का एक्सेंट पोटेंशियल जो है वो आ जाता है ठीक है जब ये रिसेप्टर पोटेंशियल जो है वो थ्रेशोल्ड पे पहुंचता है तो इसका मतलब है कि अब एक्शन पोटेंशियल जो है वो शुरू हो चुका है ठीक है उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है रिसेप्टर्स की वो है अडेप्टशन ऑफ सेंसर रिसेप्टर्स जिससे हम डिसेंसिटाइजेशन बी कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है इसमें क्या है कि जब भी एक स्टिमुलस जो है कांस्टेंट इंटेंसिटी का हम किसी भी रिसेप्टर को देते हैं ठीक है तो जो डिस्चार्ज है इंपल्सिस की उस रिसेप्टर से कुछ टाइम बाद वो कम होना शुरू हो जाती है ठीक है इससे हम क्या कहते हैं कि ये डिसेंसिटाइजेशन है यानी मुश्किलें इतनी पड़े हैं कि वो आसान ही हो जाए ठीक है यानी हमने कांस्टेंट स्टिमुलस दिया कांस्टेंट इंटेंसिटी का स्टिमुलस एक रिसेप्टर को कंटीन्यूसली दिया ठीक है उससे क्या हुआ कि जो इम्पल्सिस की डिस्चार्ज थी कुछ कुछ टाइम बाद वो कम होना शुरू हो गई इससे हमने क्या कह दिया कि ये डिसटाइजेशन है ठीक है अब हमने डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री एंड रेट ऑफ अडेप्टशन हमने रिसेप्टर्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया एक होता है फिजिक रिसेप्टर्स दूसरे टॉनिक रिसेप्टर्स रिसेप्टिजिक रिसेप्टर्स जो हैं ये रेपिडली रिसेप्टर्स होते हैं और टॉनिक रिसेप्टर्स जो हैं ये स्लो और इनकम्प्लीट रिसेप्टर्स होते हैं फिजिक रिसेप्टर्स की एग्जाम्पल्स में हमारे पास टेक्टाइल या टच रिसेप्टर्स है रिसेप्टफॉल रिसेप्टर्स मीजर कॉर्पसल्स क्रॉस कॉर्पसल्स और सीनियर कॉर्पसल्स आ जाते हैं जो टॉनिक रिसेप्टर्स इसमें आप आपके पास पेन रिसेप्टर्स को रिसेप्टर्स मसल स्पेंडल्स प्रोपर रिसेप्टर्स और बैरो रिसेप्टर्स आ जाते हैं ठीक है अब हम फिजोलॉजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे इन दोनों रिसेप्टर्स की ठीक है हमें पता है जो टॉनिक रिसेप्टर्स है ये स्लो अडेप्टन में हेल्प करते हैं और फिजिक्स जो रैपिड अडेप्टशन में जो है वो हेल्प करते हैं तो इनकी हम फिजोलॉजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे फिजोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ स्लो अडेप्टन यानी टॉनिक रिसेप्टर्स की ठीक है तो बेसिकली होता क्या है ये जो अगर हम एग्जांपल लें पेन की तो पेन एक प्रोटेक्टिव सेंसेशन है ठीक है और वो स्लोली अडेप्ट यानी करता है ठीक है उसकी अडेप्टशन स्लो है ठीक है इसकी स्लो अडेप्टन की वजह से ही ये प्रोटेक्टिव सेंसेशन है ठीक है और इसमें उन्होंने ये लिखा है कि इसका एडवांटेज ये है कि क्योंकि ये स्लोली अडेप्ट करता है तो जब तक आपको तो दर्द होती है उतनी देर तक आप जल्दी से डॉक्टर तक भी पहुंच जाते हैं ठीक है सो दिस इज़ वन ऑफ द रिसेप्टर्स दैट इज़ अ पेन रिसेप्ट किस तरह से वो स्लोली अडाप्ट करके जो है वो प्रोटेक्टर सेंसेशन में हेल्प करते हैं बेसिकली उसके बाद बैर रिसेप्टर्स एक और एक्जाम्पल दी है उन्होंने टॉनिक रिसेप्ट की या स्लो अडेप्टव रिसेप्ट की जो कि स्लो अडेप्शन शो करते हैं बैरो रिसेप्टोकि कैर साइनस और आर्ट ऑफ एटा में प्रेजेंट होते हैं ये ट्वेंटी फोर से फोटी एट आर्स तक जो है वो टाइम लेते हैं होने में ठीक है अगर ये सेकेंड्स में अडेप्ट हो जाते तो फिर हमारा ब्लड प्रेशर रेगुलेट ना हो पाता ठीक है इसलिए हम कहते हैं कि बैरो रिसेप्टर्स जो हैं ये ब्लड प्रेशर की शॉर्ट टर्म रेगुलेशन में हेल्प करते हैं ठीक है थीके? उसके अलावा जो मसल्स पिंडल्स हैं अगेन दे आर ऑल्सो हेल्पफुल इन शॉर्ट अडेप्टशन सॉरी स्लो अडेप्टन ठीक है again, sorry, या टोनिक रिसेप्टर्स जो हैं इसकी एग्जाम्पल है मसल्स स्पिंडल ठीक है मसल्स पिंडा हमारे पास मसल थे और पोस्चर को मेंटेन करता है स्लो अडाप्टिंग है ठीक है अगर ये रैपिडली अडाप्ट करेगा तो इट वुड बी यूजलेस ठीक है सो दिस वाज सम ऑफ़ द फिजोलॉजिकल सिग्निफिकेंस फॉर स्लो अडाप्टेशन उसके बाद फिजोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रैपिड अडाप्टेशन यानी फेजिक रिसेप्टिस की क्या फ़िजोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है इसकी अगर एग्जाम्पल देखें हम टस्ट रिसेप्ट की ठीक है तो ये रैपिडली अडैप्ट करते हैं और आप परसीव कर सकते हैं कोई भी स्टिमुलस को बहुत जल्दी बहुत ही जल्दी ठीक है रैपिड अडेप्टन जो है इसकी वजह से क्या होगा कि जो भी स्टिमुलस में चेंज आएगी या इंटेंसिटी में चेंज आएगी वो आप जल्दी से परसीव करते हैं लाइक like, अगर आप नहाए हैं ठीक है और आपने फ़ौरन से कपड़े पहने हैं ठीक है थीके? तो जो आपके टच रिसेप्टर्स हैं वो रैपिडली अडेप्ट करते हैं और आफ्टर सम टाइम आपको जो आपके कपड़े हैं उनकी आपकी बॉडी पर कोई भी प्रेजेंस आपको फील नहीं होती ठीक है आप उसको उसके लिए यानी यूज़ टू हो जाते हैं ठीक है अपने कपड़ों के लिए थोड़े टाइम बाद यूज़ टू हो जाते हैं ठीक है फिर हमारे पास अब मेकैनिज़म ऑफ अडाप्टेशन क्या है ठीक है हर रिसेप्टर का डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ अडाप्टन होता है लाइक इन केस ऑफ मिकैनो रिसेप्टर्स ठीक है हमारे पास सीनियन कॉर्पसल्स होते हैं ठीक है और ये टू वेज़ में जो है हमारे पास अडाप्टेन शो करते हैं एक होता है स्ट्रक्चरल अडेप्टन और दूसरे हैं हैंकोमोडेशन के जरिए अडाप्टन शो करना है ठीक है स्ट्रक्चरल अडेप्टेसन में हम कुछ इस तरह से इसको समझते हैं कि अगर हमने एक प्रेशर अप्लाई किया ठीक है Uh, किसी भी रिसेप्टर की मेम्ब्रेन पे तो वहाँ पे डिप्रेशन क्रिएट हो गया ठीक है इससे क्या होगा कि उस जगह पे प्रेशर जो है उस जगह के इन साइड पर या जो उस uh, पसीने को और पशु का जो कोर है उसके अंदर जो है वो प्रेशर बढ़ गया ठीक है जिसकी वजह से क्या होगा कि इम्पल्स की डिस्चार्ज भी ज़्यादा होगी और कुछ टाइम बाद क्या होगा कि स्ट्रक्चरल चेंज हो जाएगा उस रिसेप्टर में इसको हमने कहा कि ये स्ट्रक्चरली अडेप्ट कर लिया उस रिसेप्टर ने ठीक है यानी इन शॉर्ट अगर मैं आपको कहूँ तो क्या हुआ कि हमने जब लोकलाइज प्रेशर को इंक्रीज़ किया तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुई प्रेशर की उसके बाद क्या हुआ कि उसमें से इंपल्सिस की डिस्चार्ज इंक्रीज़ होना शुरू हो गई जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल चेंज हुई सो दिस हो स्ट्रक्चरल अडाप्टशन ऑफ दैट रिसेप्टर में रिसेप्टर की हमने एक्जाम्पल ली थी सीनियर कॉन्पर्सल की उसके जरिए हमने स्ट्रक्चरल अडाप्टशन को डिस्कस किया ठीक है अब हम देखते हैं एकॉमोडेशन ठीक है इसमें वो ये कहता है कि अगर आप कॉन्टीन्यूस स्टिमुलस देते हैं किसी भी रिसेप्टर को तो वो रिसेप्टर जो है कुछ टाइम बाद इनएक्टिवेट हो जाता है यानी या, या फिर उसको एकोमोडेट कर लेता है ठीक है ये फटी की केस में भी आपको नज़र आएगा ठीक है इसमें होता क्या है बेसिकली सोडियम चैनल्स इनएक्टिवेट हो जाते हैं उसकी एकोमोडेशन की एग्जाम्पल उसने कुछ इस तरह से दी है कि अगर हम टच करते हैं स्किन को अपने फिंगर से ठीक है तो और उसके बाद आप कंटिन्यू करते हैं उस टचिंग के प्रोसेस को विदाउट टेकिंग अवे योर फिंगर ठीक है तो क्या होगा कि वो जो सेंसेशन है टच की वो पहले तो आपको ज़्यादा इंटेंसली फील होगी लेकिन आहस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वो फेड होती जाएगी ठीक है और इवेंचुअली वो सेंसेशन जो है आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगी सो दिस इज़ एक्मोडेशन ठीक है फिर है हमारे पास सेंसरी ट्रांसडक्शन इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो स्टिमुलस है यान जो एनर्जी uh, है बेसिकली उससे आप कन्वर्ट करते हैं इन टू वन फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर ठीक है सेंसरी ट्रांसक्शन में लाइक like, इसकी एग्जाम्पल है कि कीमो रिसेप्टर्स हैं ये क्या कहते हैं केमिकल एनर्जी को एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करते हैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जैसे आप देखते हैं ठीक है इसी तरह टच रिसेप्टर्स क्या करते हैं ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करते हैं ठीक है जैसे एक्शन पोटेंशियल जो है आपके सेंसरी नर्व फाइबर्स में आपको दिखाई देता है ठीक है उसके बाद हमारे पास लॉ ऑफ प्रोजेक्शन है जब एक सेंसरी पाथवे यानी रिसेप्टर से साइबरल कॉर्टेक्स तक जो सेंसरी पाथवे जा रहा होता है ठीक है उसमें आप किसी भी पर्टिकुलर साइट को स्टिमुलेट करते हैं ठीक है थीके? तो जो सेंसेशन है वो हमेशा आपको रिसेप्टर की लोकेशन पे फील होगी ना कि उस साइड पे जहाँ जो आपने स्टिमुलेट किया है ठीक है उस सेंसरी पाथवे में उस साइड पर जो आपने स्टिमुलेट किया वहाँ पर आपको सेंसेशन फील नहीं होगी सेंसेशन आपको वहीं फील होगी जहाँ पे रिसेप्टर लोकेटेड होगा ठीक है सो दिस इज़ लॉ ऑफ प्रोजेक्शन सेज ठीक है इसकी एग्जांपल वो कुछ इस तरह से आपको देता है कि लाइक अगर आपने राइट सर्बल कॉटिक्स के किसी भी सेंसिटिव एरिया को स्टिमुलेट किया है ठीक है तो सेंसेशन आपको हमेशा लेफ्ट हैंड पे ही फील होगी ना कि उस राइट सर्बर कॉर्टेक्स के एरिया में जो आपने जो है वो स्टिमुलेट किया है ठीक है यानी हेड में आपको सेंसेशन फ़ील नहीं होगी सेंसेशन आपको लेफ्ट हैंड में ही फ़ील होगी जहाँ पे रिसेप्टर्स होंगे ठीक है एक और एग्जाम्पल वो देते है कि सेंसेशन जो आपको फैंटम uh, लिम के केस में फील होती हैं वो सारी दे आर द एग्ज़ाम्पल ऑफ लॉ ऑफ प्रोजेक्शन ठीक है बघर दे आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ प्रोजेक्शन ठीक है फैंटम लिम्प बेसिकली होता यह है कि जब आप किसी लिम्प को कट कर देते हैं ठीक है थीके? तो बहुत स्वेयर पेन होती है बेसिकली उस एब्सेंट लिम्प में एंड पे एक स्टम्प सा क्रिएट हो जाता है ठीक है उस स्टम्प पे आके बहुत सारे नर्व फाइबर्स आके जो है वो प्रेशर डालते हैं जिसकी वजह से पेन होती है स्वेयर पेन होती है सो दिस इज फैंटम लिम ठीक है उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस का किस तरह से रिसेप्टर पे जो है वो अफेक्ट होता है अच्छा डिटर्मिनेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस जो है वो हम टू टाइप्स ऑफ सेंसरी इनपुट से करते हैं एक है हमारे पास फ्रिक्वेंसी ऑफ डिस्चार्ज ऑफ इम्पल्स और दूसरा है नंबर ऑफ रिसेप्टर स्टिमुलेटेड और ये दोनों जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द डिटर्मिनेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस ठीक है जो रिलेशन है इनका बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंसेशन एंड स्टिमुलस की इंटेंसिटी इट इज़ गिवन बाय वेबर फ्रेंच फिशनर लॉ वेबर फिशनर लॉ से हम मैग्नीट्यूड ऑफ सेंसेशन और स्टिमुलस की इंटेंसिटी के दरमियान रिलेशन जो है वो uh, देख सकते हैं और दिस इज़ एन एम सी क्यू वेरी इंपॉर्टेंट एम सी क्यू राइट अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ पेन ठीक है तो पेन बेसिकली ये क्या है ये एक रियल सेंसेशन है ठीक है ये एक सब्जेक्टिव सिम्टम है जो हर इंडिविजुअल परसीव करता है सब्जेक्टिव सिम्टम यानी एक ऑटोमेटिक uh, सा सिम्टम है एक इंस्टिंक्टिव सिम्टम है जो हर इंसान जो है वो फील कर लेता है एक रियल सेंसेशन है ठीक है पेन बेसिकली एक प्रोटेक्टिव मेकेानिज़म है कैसे ये प्रोटेक्टिव मेकेानिज़म है क्योंकि ये एक एडेप्टिव सेंसेशन है ठीक है आपको एक वार्निंग मिल जाती है ताकि आप प्रोटेक्ट कर सकें अपने बॉडी को फ्रॉम टिश्यू इंजरी ठीक है जब भी हाइपर सेंसिटिविटी होती है टू अ नॉर्मली इनोक्यूस टिमिलाय ठीक है तो उससे क्या होगा कि हमारे पास जो है टिश्यू डैमेज में आपको रिपेयर जो है वो हो सकता है ठीक है उसके बाद पेन रिसेप्टर्स और उनके नॉन अडेप्टिंग नेचर के आए ठीक है पेन रिसेप्टर्स और नॉन अडेप्ट नेचर में हमारे पास दो टाइप ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं फ्री नर्व एंडिंग्स बेसिकली होती हैं पेन रिसेप्टर्स के तौर पे एक्ट करती हैं एक ए डेल्टा और दूसरा सी नर्व -E फाइबर्स ठीक है इसमें हमारे पास वो ये कहता है कि ये जो पेन रिसेप्टर्स हैं ना ये बहुत आहिस्ता से अडाप्ट करते हैं ठीक है थीके? लेकिन इनकी जो सेंसेशन है ना वो बहुत ज़्यादा यानी रैपिडली होती है लेकिन ये रिसेप्टर्स आहिस्ता से अडेप्ट करते हैं ठीक है थीके? आगे वो कहते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है फॉर रेमेडी ऑफ यानी आप पेन के लिए जो भी रेमेडी लेते हैं उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइक like, जब आहिस्ा से ये रिसेप्टर्स अडाप्ट करेंगे तो आपको टाइम मिल जाएगा कि आप जल्दी से इसकी रेमेडी के लिए जो है वो भागें आप उसको यानी वो रेमेडी लें ले लें ताकि आपको जो है वो पेन uh, जो है उससे रिलीफ मिल सके ठीक है पेन जो है बेसिकली एक प्रोटेक्टिव सेंसेशन है ठीक है जो कि हमारे पास स्टिमुलस ऑफ पेन को रिमूव कर देता है इवेंचुअली ठीक है जब बंदा इस प्रोटेक्टिव सेंसेशन को जैसे ही फील करेगा पेन की प्रोटेक्टिव सेंसेशन को तो इवेंचुअली उस पेन के स्टिमुलस को रिमूव करने की तरफ भागेगा ना ठीक है सो दिस इज हाउ इट प्लेजर रोल इन प्रोटेक्टिव सेंसेशन अब हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ हैं जो कि एक्साइट करते हैं पेन के रिसेप्टर्स को एक है मैकेनिकल दूसरा है थर्म, थर्मल और तीसरा है केमिकल जो मैकेनिकल स्टिमुलस है जो पेन रिसेप्टर्स को एक्साइट करेगा उसमें हमारे पास जो टिश्यू या इंटरनल ऑर्गन्स की डैमेज है दूसरा थर्मल जो है उसमें हमारे पास एक्सट्रीम हीट या कोल्ड है और जो केमिकल है उसमें हमारे पास ब्रडिक आ सकते हैं स्लोटोन हिस्टमिन पोटेशम आइंस एसिड्स एसटाइकोलिन पोटिलिटिक इंजाइम्स आ सकते हैं ठीक है थीके? अब पेन की क्या क्या कॉजेज हैं पेन की थ्री कॉजेज हैं या तो कोई टिशू डैमेज हो गया या टिश्यू इसकीमिया हो गया या मसल्स पैज्ड हो गया उसकी वजह से पेन हो सकता है ठीक है टिश्यू डैमेज के केस में क्या होगा हीट केमिकल्स या बैक्टेरिया इन्फेक्शन जो हैं ये टिश्यू डैमेज कॉज कर सकती हैं ठीक है थीके? और उसकी वजह से पेन हो सकता है टिश्यू इस्कीमिया में हमारे पास क्या होगा कि जब ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाएगा ठीक है तो उससे क्या होगा कि लार्ज अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड एक्यूमलेट होना शुरू हो जाएगा ठीक है और उसकी वजह से इंटरमिटेंट क्लोडिकेशन होगी इंटरमिटेंट क्लोडिकेशन यानी जब भी वो बंदा चलेगा ठीक है तो उसके जिस एरिया में ब्लड की ऑब्स्ट्रक्शन होगी ना ब्लड वेसल्स जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टेड होंगी यानी जो आर्टरीज उसकी ब्लॉक्ड होंगी लोअर लिम में उसकी वजह से आपके पास चलने में मसला होगा इंटरमिटेंट क्लोडिकेशन होगी ठीक है और पेन होगी वाइल ही हो इज़ वॉकिंग ठीक है तो ये होगा ड्यू टू टिश्यू इस्कीमिया ठीक है और उसकी वजह से पेन होगा ठीक है तो मसल पैर मेज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ पेन ठीक है इसमें क्या होगा कि डायरेक्ट इफेक्ट ये कुछ इस तरह से करता है कि ये स्टिमुलेट करता है हमारे पास पेन मैकेनिक सेंसिटिव पेन रिसेप्टर्स को इसके अलावा इनडायरेक्ट इफेक्ट इसका इस तरह से होता है कि ये ब्लड वेसल्स को कॉम्प्रेस करेगा और ये इस्कीमिया कॉज कर देगा ठीक है अब बहुत इंपॉर्टेंट यू क्यू हम पढ़ने लगे हैं दैट इज़ द पेन पाथवे ठीक है पेन पाथवे बेसिकली हमारे पास इंटीरो लेट्रल ट्रैक के जरिए कैरी किया जाता है ठीक है फास्ट पेन होता है आपके पास और स्लो पेन होता है जो फास्ट पेन है ये लेटरल स्पाइनोथेलमिक ट्रैक से कैरी किया जाता है और जो स्लो पेन है इट इज़ कैरड बाई इंटियर स्पाइनोथेमिक ट्रैक ये बहुत इंपॉर्टेंट एम सी क्यू है ठीक है अब हम पहले फ़ास्ट पेन देखते हैं फास्ट पेन जो है इट इज़ कैरेड बाय ए डेल्टा फाइबर्स ठीक है और स्लो पेन इज़ कैरड बाय सी फाइबर्स ठीक है जो फास्ट पेन है यहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर ग्लूटेमेट होता है और स्लो पेन में हमारे पास सब्सटेंस पी इज़ द न्यूरो ट्रांसमीटर ठीक है इस फास्ट पेन के केस में हमारे पास क्या होता है कि लेट्रल स्पेनोथैलमिक ट्रैक से फाइबर्स जो हैं वो ओरिजिनेट होते हैं और वो कहाँ जाते हैं ये देखें लेट्रल स्पेनोथलमिक से आ, फाइबर्स ऑरिजिनेट हुए और वो यहां पे विंट्रोबेजर कॉम्प्लेक्स जो है थैलमस का वहां तक गए और वहां से आगे फिर ये सेंसरी कॉर्टेक्स के सोमेटो सेंसरी एरियाज तक गए ठीक है थीके? लेकिन जो हमारे पास स्लो पेन है ना ये क्या करेगा ये एंटीरियर एंटीरियर स्पाइनोथर्मिक ट्रैक से ओरिजिनेट करेगा ये तो लेट्रल से ओरिजिनेट किया था ना फास्ट पेन ये एंटीरियर स्पाइनोथर्मिक ट्रैक्स ओरिजिनेट करेगा और मोस्टली इसके फाइबर्स जो हैं वो ब्रेन स्टेम के रेटिकुलर फॉर्मेशन के पास जाएंगे लेकिन कुछ जो है वो जाके मोस्टली रेटिकुलर फॉर्मेशन के पास जाएंगे लेकिन कुछ जो है हमारे पास वो जाके इंट्रालेमिनर या जो वेजोलेट्रल सॉरी वेंट्रोलेट्रल न्यूक्लिया है थर्लस के वहाँ जाके रिले करेंगे ठीक है तो बेसिकली हमने ये देखा कि थैलेमस जो है वो एक सब कॉटिकल सेंटर ऑफ पेन के तौर पे आ करते हैं क्यों क्योंकि यहाँ पे दोनों टाइप्स ऑफ पेन जो हैं वो आके रिले करती हैं ठीक है ठीके? और इसीलिए अगर इस थैलेमस में कोई लयन हो जाए तो हमारे पास पेन सेंसेशंस अफ़ेक्ट होती हैं ठीक है ठीके? अब हमारे पास टाइप्स ऑफ पेन स्लो पेन फास्ट पेन होती है वही यहाँ पर इन्होंने टेबलेटेड फॉर्म में कुछ एक दो एडिशनल पॉइंट्स करके लिखे हुए हैं जो स्लो पेन है ना ये हमारे पास इनके क्या फीचर्स हैं ये स्लो बर्निंग या एकिंग पेन या थ्रॉबिंग नोजिस क्रॉनिक डल या डिफ्यूज पेन को सेंस करती हैं और जो हमारे पास फास्ट पेन है ये शार्प प्रिकिंग एक्यूट और इलेक्ट्रिक पेन को सेंस करती हैं ठीक है स्लो पेन में एग्जाम्पल में हमारे पास अगर हम आ, किसी भी हॉट चीज़ को टच करते हैं ठीक है थीके? तो हमें स्लो पेन फील होती है लेकिन अगर हम पिन प्रिक के ज़रिए या किसी भी शार्प व के जरिए अपने ऊपर कट लगाते हैं तो उसकी वजह से जो पेन प्रोड्यूस होती है दैट इज़ फास्ट पेन ठीक है स्लो पेन में हमारे पास टाइप सी फाइबर्स होते हैं ठीक है थीके? और फास्ट पेन में हमारे पास ए डेल्टा फ़ाइबर्स होते हैं स्लो पेन में जीरो पॉइंट फाइव से टू मीटर पर सेकेंड तक वेलोसिटी ऑफ इम्पल्स होती है लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इम्पल्स फ़ाइव से थर्टी मीटर पर सेकेंड तक होती है न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ पर सब्सटेंस पी है और यहाँ पर ग्लूटामेट है यहाँ पर जो है परसेप्शन वो ब्रेन स्टेम में आपको फ़ील होती है और यहाँ पर सेंसरी कॉटेक्स में फील होती है ठीक है यहाँ पर जो आपके पास पाथवे है दैट इज़ एंटियर स्पाइनोथेमिक ट्रैक यहाँ जैसे आप पेलियो स्पाइनोथेलमिक ट्रैक भी कहते हैं और फ़ास्ट पेन हमारे पास लेटर स्पाइनोथेलमिक ट्रैक है, है जिसे अब न्यू स्पाइनोथेलमिक ट्रैक भी कहते हैं ड्यूरेशन इसका प्रोलॉन्ग्ड है और इसका ड्यूरेशन शॉर्ट है फास्ट पेन का ठीक है जो लोकलाइजेशन है स्लो पेन की दैट इज़ पूरी लोकलाइज लेकिन फास्ट पेन जो है इट इज़ लोकलाइज ठीक है उसके बाद हम देखते हैं रेफर्ड पेन रेफर्ड पेन बेसिकली ये पेन जो है एक एरिया से रेफ़र किया जाता है किसी दूसरे एरिया में ठीक है बेसिकली होता क्या है जिस एरिया में पेन का सोर्स होता है ना उससे दूर किसी और एरिया में पेन आपको फ़ील हो रही होती है ठीक है एक्चुअल सोर्स जो होता है पेन का उस जगह पे आपको फ़ील नहीं होती पेन बल्कि किसी और साइड पे पेन का फ़ील होना है इस कॉल्ड रेफर्ड पेन इसकी एग्जांपल में उसने लिखा है कि हार्ट पेन है गॉल ब्लैडर पेन है अपेंडिसाइटिस पेन है ठीक है हार्ट पेन किसी एक्सकीमिया की वजह से पेन होती है और ये आपको फ़ील होती है लेफ्ट आर्म या शोल्डर में यह आपको हार्ट में नहीं फील होगी बल्कि कहाँ फ़ील होगी लेफ्ट आर्म या शोल्डर में इसी तरह गॉल ब्लैडर की पेन किसी ओवर डिस्टेंशन ऑफ गॉल ब्लैडर या इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर की वजह से होगी और ये आपको कहाँ राइट शोल्डर में फील होगी गॉल ब्लैडर में फील नहीं होगी ठीक है इसी तरह अपेंडिसाइटिस की पेन जो है अपेंडिक्स में आपको फ़ील नहीं होगी बल्कि अम्बलाइकल रीजन में फील होगी ये भी अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है अपेंडिक्स की ठीक है उसकी वजह से उसके बाद अब मेकेनिजम क्या है रेफर पेन का कि पेन जो है ये कहाँ रेफर होता है जो पेन प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर होता है ना और जिस जगह पे पेन रेफर की जाती है बेसिकली उन दोनों एरियाज़ का डर्माटोम सेम होता है इसलिए पेन जो है वो उस स्ट्रक्चर तक रेफर होती है और इससे हम कहते हैं कि ये डर्माटोमल रूल के मुताबिक जो है बेसिकली एक पेन प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर से दूर किसी दूसरे रेफर्ड स्ट्रक्चर में जहाँ पे आपको दर्द होती है दिस इज़ ड्यू टू द सेम डर्माटोम इसे हम डर्माटोमल रूल कहते हैं कि इन दोनों जगहों के सेम डर्माटोम्स होते हैं इसलिए पेन जो है उस जगह पे रेफर होती है ठीक है होता क्या नॉर्मली कि जो आपका ग्रे मैटर होता है ना स्पाइनल कॉर्ड का उसके डोर्सल हॉर्न में हमारे पास जो विस्तरल हमारे जो विस्त्रज हैं उनके सेंसरी नर्व फाइबर्स ठीक है उनके सेंसरी नर्व्स के जो ब्रांचिंग फाइबर्स होते हैं इन वस्त्रराज में जो सेंसरी नर्व्स आ रही होती हैं इनके कुछ ब्रांचिंग फाइबर्स आके इस ग्रे मैटर के स्पाइनल कॉर्ड uh, के डोर्सल हॉर्न में साइनेप्स करते हैं किसके साथ उन सेंसरी uh, फाइबर्स के साथ जो कि हमारे पास uh, एक रेफर्ड साइट से आ रहे होते हैं ठीक है रेफर्ड साइट के सेंसरी फाइबर्स और इन विस्तराज के सेंसरी फाइबर्स दोनों आके स्पाइनल कॉर्ड के जो डोर्सल हॉर्न है ग्रे मैटर का जो डॉर्सल हॉर्न है वहाँ पे आके साइनेप्स करेंगे ठीक है सो दिस इज़ हाउ मैकेनिज्म ऑफ रेफर्ड पेन टेक्स प्लेस ठीक है और इस तरीके से जब ये साइन ऐप्स करेंगे तो बेसिकली जो भी डिस्टर्बेंस होगी विजरा में तो वो पेन जो है इस साइन ऐप्स के ज़रिए उस डेमाटोम साइट पर जाके रेफर हो जाएगी ठीक है अब पेन कंट्रोल मेथड्स कौन से हैं ठीक है थीके? एक है पेन किलर मेडिकेशन इसके अलावा स्ट्रेस रिडक्शन रिलैक्सेशन थेरेपी ठीक है डिस्ट्रैक्टर्स इसके अलावा एप्लीकेशंस ऑफ हीट एंड कोल्ड मसाज या एक्सरसाइज या हिप्नोसिस एक्यूपंक्चर ठीक है ये सारे पेन कंट्रोल मेथड्स हैं ठीक है थीके? इसके बाद हमारे पास टिक डोलेटिक्स क्या है इससे बेसिकली ट्राइजामल या ग्लॉसोफ्रेंजियल न्यूरेलजिया भी कहते हैं होता क्या है एक साइड पे आपको जो शार्पली कटिंग पेन फील होती है ना तो दूसरी साइड पे क्या हो रहा होता है कि आपके पास डिक्लूटेशन में डिफ़िकल्टी फील होती है ठीक है और ये क्यों होता है क्योंकि यहाँ पे जो सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन है यानी ट्राइजामनल और ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व से जो सेंसरी सप्लाई आ रही होती है उसमें कोई जो है वो मसला होता है वहाँ पे कोई आपके पास जो है वो यानी कोई इरिटेशन या कोई मसला हो रहा होता है तो इस वजह से एक साइड ऑफ फेस पे आपके पास शार्पली कटिंग पेन होती है और दूसरी साइड पे डिफ़िकल्टी इन डिग्लूटेशन जो टू अ पार्ट ऑफ सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेजामल नर्व और ग्लॉसोफ्रेंजल नर्व ठीक है इट इज़ अफेक्टेड डैट इज़ वाई आपके पास टिक टिकडोलोरक्स होता है ठीक है हाइपर एलजिसिया क्या है ये इंक्रीज सेंसिविटी सेंसिटिविटी है पेन की इसे हम हाइपर एलजसिया कहते हैं जब पेन की इंक्रीज सेंसिटिविटी फ़ील हो तो उसे हम हाइपर एलजस्िया कहते हैं ठीक है ये किस वजह से होता है प्राइमरी भी हो सकता है सेकेंडरी हाइपर एलजिसिया भी हो सकता है जो प्राइमरी हाइपर एलजिसिया है ये होता है ड्यू टू इंक्रीज एक्साइटेबिलिटी ऑफ रिसेप्टर्स ठीक है लेकिन जो सेकेंडरी हाइपर एलजसिया है इट इज़ ड्यू टू द इंक्रीज एक्साइटेबिलिटी ऑफ पाथवेज ठीक है तो यहाँ पर पे आपका पेन का टॉपिक भी कम्प्लीट हो गया थैंक्स फॉर वॉचिंग